आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता, लेकिन इसे हम बनाएंगे अपने हेल्दी ट्विस्ट के साथ। हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारी वेजिटेबल्स, क्योंकि पास्ता जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पास्ता में इस तरह से आप उन्हें अगर वेजिटेबल्स सर्व करेंगे तो आसानी से खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना है पानी गर्म, या मैंने 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जितना नमक, साथ ही डालेंगे हम 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल जो है आप इसी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ना लें, सरसों वगैरह, साथ ही हम इसको अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे मैक्रोनी या पास्ता, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। या मैंने करीबन 2 कप यानी 200 ग्राम जितना पास्ता लिया है, और गैस की आंच यहाँ पे मीडियम रखेंगे, और पास्ता को हमें अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देना है। 4-5 मिनट बाद आप देखेंगे पास्ता अच्छे से उबल गया है। आप चाहें तो इसको हाथों से प्रेस करके चेक कर सकते हैं। इससे से प्रेस करेंगे तो आपको हल्का सा कच्चापन इसमें महसूस होगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। पास्ता का जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकाल देना है, तो इसके लिए हम एक बड़ा बोल और छलनी लेंगे और इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे खूब सारा ठंडा पानी, ताकि पास्ता की जो कुकिंग है वो रुक जाए। अब अगर आप हाथों हाथ पास्ता बना रहे हैं तो आपको इसके अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद में बनाने वाले हैं तो इसमें ऑयल डाल के रखें, ताकि पास्ता जो है आपस में चिपके नहीं, और जब आप इनको बनाएं तो एकदम खिले खिले बने। अब हम इसमें डालने वाले हैं खूब सारी वेजिटेबल्स, तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून जितना ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जितना लहसुन क्रश किया हुआ। लहसुन डालने के बाद लहसुन को हमें 15 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, गैस की आंच यहाँ पे हमें धीमी रखनी है। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ में अब इसमें डालेंगे हम अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल, जो भी आपको पसंद हो वो आप डालें। गैस की आंच यहाँ पर हम तेज़ कर लेंगे और 1 मिनट के लिए सब्जी को भून लेंगे। आपको ध्यान रखना है हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है। ये तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता के लिए, तो सबसे पहले हमें लेना है 2 टेबलस्पून जितना बटर। बटर को हमें हल्का सा मेल्ट करना है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना मैदा। मैदा को भी हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेना है, और इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तभी हमारी जो सॉस है वो वाइट बनेगी। मैदा भून गया है, अब हम लेंगे एक विस्कर हाथ में, क्योंकि अब हमें दूध ऐड करना है। तो टोटल हम यहाँ पर 1.5 कप जितना दूध ऐड करेंगे, और आपको ध्यान रखना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध हमें डालना है, और कंटिन्यूस इसको हमें चलाते भी रहना है। एक साथ बिल्कुल भी दूध ना डालें, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे और सॉस बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसके अंदर टोटल 1.5 कप जितना दूध डालना है। ये दूध हमने सारा डाल लिया है और सॉस के अंदर किसी तरह के लम्स नहीं है। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 क्यूब चीज़ के ग्रेट किए हुए, और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जितना चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच डालेंगे ओरिगेनो। आपको दूध, मैदा और बटर की क्वांटिटी का ध्यान रखना है, इसी से हमारी जो सॉस है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी की और क्रीमी बनेगी। सबसे लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे भुनी हुई सब्जियां और उबला हुआ पास्ता। ये डालने के बाद सबसे लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, और इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, नहीं तो हमारी सॉस ठीक हो जाएगी। और ये सर्व तैयार हो गया हमारा पास्ता सर्व करने के लिए। अगर आप चाहते हैं पास्ता का टेस्ट और अच्छा हो, तो इसके लिए आप सर्व भी उसको इस तरह से करें। पहले प्लेट में डालेंगे पास्ता, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे यहाँ पर ग्रेट किया हुआ चीज़, थोड़े डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा डालेंगे ओरिगैनो। इस तरह से पास्ता सर्व करने से जब भी आप बाइट लेंगे तो इसमें चीज़ का और स्पाइस का एकदम इवन टेस्ट आएगा, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसी तरह से वापस हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, पास्ता डालेंगे, चीज़ डालेंगे, और थोड़े से चिली फ्लेक्स ओरिगैनो डाल देंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, और ये तैयार हो गया हमारा पास्ता। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।